सुषमा टेस्टी फूड चैनल में और आज हम बनाने वाले हैं नटी ओवरलेड टी टाइम केक बिना अंडे का है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 7x3 इंच का टिन लिया है, इसमें आप डबल बैटर लेकर भी बना सकते हो। और ये बेकिंग पेपर है, बेकिंग पेपर आपको टिन को ग्रीस करना है ऑयल से, फिर बेकिंग पेपर लगाना है और उसे भी ग्रीस करना है। बाउल में मैंने दही लिया है 95 ग्राम, पीसी हुई चीनी इसमें हम डालेंगे 90 ग्राम यानी 90 ग्राम, इतनी आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हो। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/8 TSP और 1 पिंच इतना। उसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 TSP इतनी, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा फ्रेश होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही के ऊपर बबल्स आ गए हैं। अगर ये बबल्स आते हैं तभी आपका केक परफेक्ट बनेगा। अब इसमें डालेंगे हम वैनिला एसेंस, तो वैनिला एसेंस डालेंगे 1/2 TSP इतना। मेल्ट किया हुआ बटर है जो रूम टेम्परेचर पर है, और ये बटर है 40 ग्राम इतना। तेल से इसका टेक्सचर बहुत अलग आएगा, आप बटर ही यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। 1 पिंच इतना नमक डाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी कितने बबल्स हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैदा यहाँ पर हम डालेंगे 95 ग्राम इतना। मैदे को हम स्ट्रेन करके ही डालेंगे। तो स्ट्रेन करने के बाद इसे हमें इस ऐसे ही चम्मच से कट और फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। यहाँ पर देखिए बैटर हमारा मिक्स होके तैयार है। मैंने 40 ग्राम इतने पिस्ते और बादाम अलग से चॉप किए हैं और 20 ग्राम इतने काजू हमने बैटर में मिक्स कर दिए हैं। अब ये बैटर हम टिन में डालेंगे। ओवन को प्रीहीट करना ज़रूरी है, तो मैंने वो ओवन को 170 डिग्री पर प्रीहीट किया है 10 मिनट। टैप कर दीजिएगा और ऊपर से हमें डालना है काजू पिस्ते और बादाम के छोटे छोटे टुकड़े। नटी ओवरलोड है, इसलिए हमें बहुत सारे नट्स डालने हैं। दोनों रोड ऑन करना है और फैन भी ऑन करना है आपको ओवन का। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें ऊपर से प्रेस करना है और इसे ओवन में रखना है मिडल रैक पर, टेम्परेचर 170 डिग्री, और आपको इसे 20 मिनट रखना है। 20 मिनट के बाद आपको इसे चेक करके टाइम को और बढ़ाना है। करीब इसे बेक होने के लिए 30 से 35 मिनट्स लगते हैं। और पूरा ठंडा होने के बाद ही केक को कट कीजिएगा। ये केक बहुत टेस्टी लगता है, बिना अंडे का होकर भी बहुत अच्छा है टेस्ट में। इस बेकिंग पेपर को आप रीयूज़ कर सकते हो और इस केक के आप ऑर्डर भी ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।